हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल नर्सिंग एकेडमी पर। तो वह आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मतलब हम देखते हैं, हाइपर मतलब इंक्रीज। ठीक है, टेंशन मतलब जो वास्कुलर कैपिलरी मतलब आर्टरी और वेन होती है, वेसल्स होती है, उनमें क्या होता है, डायलेशन हो जाता है। जब ब्लड ज़्यादा आएगा तो जो वेसल्स है वो डायलेटेड होगी। ठीक है, इसके बाद में जो हाइपरटेंशन का जो करेक्ट मेन होता है वो होता है इंक्रीज बीपी। इंक्रीज बीपी, ठीक है। बीपी जो नॉर्मल पेशेंट होता है उसमें बीपी होती है 120/80 mmHg। ठीक है, जो उसका नेक्स्ट जो ये नॉर्मल पेशेंट होगी, जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा, ठीक है, उसमें बीपी होगी 140/90 mmHg। ठीक है, अब यहाँ से एक टर्म निकलती है कि पल्स प्रेशर। एग्जाम पूछा जाता है कि पल्स प्रेशर किसे बोलते हैं। ठीक है, पल्स प्रेशर होता है, ये जो हाई वाली होती है हाई, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, और जो 80 है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। मतलब ये जो पल्स प्रेशर होता है, जो इन दोनों में डिफरेंस होता है 120 और 80 के बीच में डिफरेंस होता है कितना, 40 mmHg, ये इसका पल्स प्रेशर हो गया। ठीक, अब हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर। ठीक, इसको साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं जैसे हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, उनको क्या होता है, डैमेज कर देती है। ठीक है, अब इसके करने में इसके जो ये हाइपरटेंशन होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन टू। ठीक है, जो पहला बात जो थिंग्स होती है ब्लड वॉल्यूम, कि जो वेसल्स है उसमें कितना ब्लड आ रहा है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो नेक्स्ट बात होगी जिस पर डिपेंड करता है वो है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल्यूम मतलब कितना ब्लड जो वेसल्स है उसमें आ रहा है। ठीक है, और डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर वो ब्लड आने से कितना बढ़ गया है। इसके बाद में उसके हम टाइप्स की बात करते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली हमारी जो भी वीडियो है आपको पहले पता लग जाए। ठीक, इसके हम टाइप्स देखते हैं। पहला इसका टाइप आता है माइल्ड हाइपर टेंशन। ठीक, जिसको नेक्स्ट टाइप आएगा वो होगा मॉडरेट। ठीक, उसका थर्ड होगा होगा सीवियर। उसका फोर्थ टाइप होगा होगा क्राइसिस। जो माइल्ड हाइपरटेंशन होता है उसमें बीपी होती है 140/90 mmHg। ठीक, मतलब जो डायस्टोलिक सिस्टोलिक बीपी होता है उसमें अपन को 28 करना है, जो डायस्टोलिक बीपी होता है उसमें अपन को 10 ऐड करना है। तो जो सिस्टोलिक बीपी उसमें 140 के इसमें 10 ऐड, 20 ऐड किया तो 160, और इसमें 10 ऐड किया तो 100 mmHg होती है। तो वो मॉडरेट हाइपरटेंशन की वैल्यू होती है। जो सीवियर हाइपरटेंशन है उसमें क्या होगा, 180 mmHg। ठीक है, जो क्राइसिस होगा उसमें बीपी होगी वो 180 mmHg के अबाव होगी। मतलब
जो माइल्ड हाइपरटेंसिव होता है उसमें बीपी 140/90 mm पहुंचे है। ये तो होती है सिस्टोलिक बीपी, ये होती है डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, मॉडरेट जो हाइपरटेंसिव होता है उसमें बीपी होती है 160, तो सिस्टोलिक बीपी होगी 100 होगी, डायस्टोलिक बीपी होगी। वो जो सीवियर हाइपरटेंशन है उसमें 180 तो सिस्टोलिक बीपी होगी, 110 डायस्टोलिक बीपी होगी। जो क्राइसिस होता है उसमें 180 mmHg, इससे अबव जो हाइपरटेंशन हो जाता है उसको हम क्राइसिस हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम इसके जो कॉजेज हैं, किन कारणों से हाइपरटेंशन कॉज होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका पहला कॉज होता है वो होता है ओबेसिटी। जो पेशेंट के फिर मोटा है, उसका मोटापा है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। अब दूसरा कॉज अपन देख सकते हैं एज, पेशेंट की एज के साथ साथ जो हाइपरटेंशन है वो हो जाता है। ठीक है, और पेशेंट है वो ज़्यादा एल्कोहल का यूज करता है। ठीक है, और पेशेंट है वो हाई साल्ट डाइट लेता है, मतलब सोडियम है उस पर ज़्यादा सेवन करता है, ज़्यादा यूज करता है, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ज़्यादा नमक का यूज़ करता है, सॉल्ट का यूज़ करता है, उससे भी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। इसके जो मेन कॉज हो वो ये इसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज। पेशेंट है वो एक्सरसाइज नहीं करता है, उसकी वजह से भी जो हाइपरटेंशन है वो कॉज हो सकता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट अपन कॉज देख सकते हैं वो होगा हाइपरथायरॉइडिज्म, मतलब जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3 और T4 होते हैं उनका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें जो कॉज हो गए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें साइन सिम्टम्स आते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम, इसके जो साइन सिम्टम आएंगे वो होगा फटीक। ठीक है, मतलब पेशेंट थक जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जो नेक्स्ट इसमें जो साइन और सिम्टम है वो होगा डिजीनेस का मतलब होता है पेशेंट जो उसको चक्कर आएंगे, मतलब वर्टिगो भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट इसका साइन और सिम्टम आएगा वो है ब्लरिंग विजन, पेशेंट है उसको धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, जो इसमें नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स आते हैं वो है पेशेंट है उसको हिमेचूरिया हो जाएगा, मतलब जो यूरिन है उसके साथ ब्लड आएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट साइन सिम्टम्स आता है वो होगा एंजाइनल पेन, जो एंजाइन होता है अपना उसमें पेन हो जाता है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट साइन और सिम्टम आता है वो है प्रोटीन यूरिया, मतलब यूरिया है उसमें प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन का लेवल हाई हो रहा है। ठीक है, ये इसके साइन और सिम्टम्स और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन होगा, जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है हार्ट डिजीज। अरेथमिया हो रहा है पेशेंट को,
ये इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट डिजीज होगी वो होगी किडनी की, जो डिजीज होती है किडनी डिजीज, ठीक है। और इसको नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो होगा सेरेब्रल हेमरेज, मतलब जो हमारे ब्रेन में सेरेब्रल पार्ट होता है उसमें से हेमरेज मतलब ब्लड आ रहा है, उसकी वजह से भी ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके 3 कॉम्प्लिकेशन है और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसका नाम है नर्सिंग असेसमेंट, मतलब हाइपरटेंशन में एक नर्स है उसकी क्या भूमिका होती है, ये हम अलग वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे, जो वीडियो बहुत लंबी चलेगी, ठीक है। तो गाइस